हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने मोटो G34 5G फ़ोन में, और फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं मोटो फोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही सेटिंग से ओपन हो जाएगी। स्लाइड करते हुए आपको अबाउट फोन पे जाना है, जहाँ से आपको वर्जन सेटिंग से मिल जाती है, जहाँ से फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस बिल्ड नंबर्स पे टैप करके डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन ऑन होते ही आपको स्लाइड करते हुए सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके जरिए हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। स्लाइड करते हुए आपको जाना है एनिमेशन स्केल्स पे, स्केल्स को ऑफ करना है, फिर ट्रांजिशन स्केल भी ऑफ करना है और एनिमेटर स्केल्स भी ऑफ कर देना है। फिर स्लाइड करते करते आपके पास ऑप्शन आता है प्रोसेस लिमिट, तो जो भी बैकग्राउंड का प्रोसेस लिमिट है उसको भी नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे कर देना है, जिससे आपकी जो फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी और बिल्कुल भी आपका जो फ़ोन है हैंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी है। तो इस तरीके से भी फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।